नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूपीएससी पाठशाला में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा 14 मार्च के लिए जो आपका दैनिक समसामयिकी वो, या इसे हम लोग कह सकते हैं जो 14 मार्च के लिए जो प्रतिदिन का जो आपका संपादकीय विश्लेषण है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखिए, मुझे आप लोगों से कुछ ना बोलना पड़े। अगर बोलना पड़ेगा तो आप लोगों के लिए इंद्रजीत जी एक चीज बताओ, आपको डेली बोलना पड़ेगा क्या कि आप म्यूट करके रखो? आप कल भी मुझे डिस्टर्ब आप कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। अपने आप को म्यूट करके रखिए ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए। ये डेली का नहीं होना चाहिए। अजीत जी अपने आपको आप ही म्यूट करके रखिए, आप यहाँ से आवाज नहीं आ रही है वो अलग मैटर है, लेकिन आप म्यूट करके रखिए सभी लोग, ठीक है? तो चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूपीएससी पाठशाला में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। और इस नए लाइव सेशन में जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा 14 मार्च के लिए। आप लोग खुद पहले अपना जितना हो सकता है म्यूट करके अनम्यूट करके रखिए और आप लोग को जितना हो सकता है जितना आवाज करना है कर लीजिए, ठीक है? कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ, फिर 2 घंटे बाद भी सेशन ले सकता हूँ, करिए आप। बोल रहा हूँ ये तरीका सही नहीं है, सिविल सर्विस की तैयारी करते ऐसे होती है क्या तैयारी, बताइए आप लोग। 3 बार मैं सेशन स्टार्ट कर चुका, क्या बोलूंगी। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूपीएससी पाठशाला में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो इस नए लाइव सेशन में जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा 14 मार्च 2023 के लिए जो प्रतिदिन का समसामयिकी चर्चा या संपादकीय विश्लेषण। इस संपादकीय विश्लेषण में जो द हिंदू का जितना भी इम्पोर्टेंट होता है आपका एडिटोरियल वो हम लोग डिस्कस करते हैं, खास करके जो एग्जाम ओरिएंटेड जो आपका संपादकीय होता है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड आई होप कि आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपने जी जान से तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और आप लोग एकदम एक उस ट्रैक पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे जिस ट्रैक पे चल करके आपको अपनी मंजिल मिल सकती है। अगर आप लोग एक चीज ये भी बता दूं कि अगर आप लोग अभी भी प्रारंभिक परीक्षा के मोड में नहीं आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा की खुली तैयारी जो है पूर्ण रूप से तैयारी जो हम लोग कहते हैं वो आप शुरू कर दीजिए। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जितने आप कर सकते हैं उतना करिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी अब हमारे पास बहुत ही कम समय बाकी है। आप कह सकते हो 2.5 महीने भी आपके पास बाकी नहीं है, ये ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। एंड मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे से क्या कर रहे होंगे, फिर से मैं याद दिला दूं कि आप तैयारी कर रहे होंगे किसका, खास करके प्रारंभिक परीक्षा का। मैं पहले भी बताया था और आज मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आप लोग को 8-5 के अलावा, अगर मैंने सेशन 8-5 से पहले अगर स्टार्ट कर दिया तो मैं उसके अलावा फिर मैं आप लोग को एडमिट नहीं करूंगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ठीक है? 8-5 लास्ट टाइम है। हाँ, मुझसे अगर सेशन लेते स्टार्ट होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है या कोई टेक्निकल ग्लिच होता है या कोई और प्रॉब्लम होता है तो अलग मैटर है, लेकिन अब मैं बार बार एडमिट नहीं करूंगा, बहुत दिन हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग को भी सीरियस होना पड़ेगा भाई। सिविल सर्विस की तैयारी करते अगर आपके अंदर अगर वो सीरियसनेस नहीं है तो ऐसी तैयारी थोड़ी होता है ना। चलिए तो सीधा स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी देखिएगा द हिंदू के संपादकीय पेज के ऊपर जो आपका आज का जो आर्टिकल है वो था आपका एक फ्रेगाइल मोमेंटम नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, फिर जो आपका ट्रू कलर ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, एक आर्टिकल है आपका अ चांस फॉर इंडिया टू सेफ अ डेटा गवर्नेंस रेजिम। डेटा गवर्नेंस के ऊपर हम लोगों ने कई बार भी डिस्कस किया लेकिन इसमें कुछ नया चीजें हैं जो आज हम लोग पूरे डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर एक आर्टिकल है अ रिसिलिएंट इंडिया बट ग्रोथ थैंक्स फॉर चाइना, तो हम लोगों ने पहले भी भारत की ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया हुआ है और कैसे चाइना जो है भारत से परेशान हो रहा है उसके बारे में, तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद रियलिटी चेक फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी, हमने फॉरेन यूनिवर्सिटी को लेकर के पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आज नहीं डिस्कस करेंगे, इस आर्टिकल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विदेशी विश्वविद्यालय को लेकर के। एंड देन डब्ल्यू पी
PL is not a token gesture but a hard fought win, यानी कि जो आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है वो सिर्फ एक जेस्चर नहीं है जबकि एक ये बहुत ही बड़ी लड़ाई है, इसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये आर्टिकल है, इसमें से आज मैं एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये है आपका अ चांस फॉर इंडिया टू सेव अ डेटा गवर्नेंस रिजीम, आज मैं ये आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले आर्टिकल का, और आप लोग को मैं दिखा दूं कि इस आर्टिकल का हेडलाइन ही क्या है, अ चांस फॉर इंडिया टू सेव अ डेटा गवर्नेंस रिजीम। सबसे पहले ये जो आपका टॉपिक है जनरल स्टडीज के पेपर 2 और जनरल स्टडीज के पेपर 3 दोनों से ये रिलेटेड है। जनरल स्टडीज के पेपर 2 आपका पॉलिसी गवर्नेंस इनसे रिलेटेड, और जनरल स्टडीज के पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनल सिक्योरिटी इनसे रिलेटेड। सबसे पहला प्रश्न उठेगा आपके माइंड में भी कि सर ये जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके पीछे अगर आप बात करें, आप अगर हमें बताएं कि संदर्भ क्या है, तो आपकी बहुत मेहरबानी रहेगी, आप ये कह सकते हैं। तो चलिए, मुझे मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ये मेरा ड्यूटी है कि इस आर्टिकल को हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। इस आर्टिकल के डिस्कशन के पीछे अगर आप कारण की बात करते हैं या संदर्भ की बात करते हैं, तो संदर्भ ये है कि दोस्तों केंद्र सरकार ने 2023 का एक प्लान जो है आपका बनाया है। क्या क्या है 2023 का, अगर हम कहते हैं कि योजना बनाया है, एक प्लान बनाया है, और प्लान इसमें एक चीज ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार, अगर आप कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो रणनीति को, जो हम लोग कहते हैं डिजिटल रणनीति को बढ़ावा दे रहा है, जो डेटा गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन भारत में अभी भी तकनीक को लेकर के बहुत सारी समस्याओं का, जो हम लोग कहते हैं आंकड़े के प्रबंधन को, डेटा को जो मैनेज करने को, इसको एडमिनिस्टर करने को लेकर के अभी भी बहुत सारे क्या है कि आपका चैलेंज है, क्या है, चुनौती है ना। दूसरी चीज इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत 2023 में जी रहा है, लेकिन भारत में जो लॉ है वो 2000 का लॉ है, बहुत पुराना लॉ है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि भारत, संदर्भ की बात करते हैं तो भारत अपनी डिजिटल रणनीतियों और डेटा गवर्नेंस में काफी आगे बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों कि जैसे जैसे देश प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के साथ विकसित होता जा रहा है, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है या महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ये भी उठता है कि इसका क्या समावेशी विकास हो रहा है, यानी कि डिजिटल का, तकनीक का क्या फायदा सभी को हो रहा है, क्या जो डिजिटल का विकास हो रहा है क्या वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है, क्या डिजिटल का जो विकास हो रहा है क्या डिजिटलीकरण हो रहा है, क्या वो आपका जो हम लोग कहते हैं सुरक्षित है, क्या डिजिटलीकरण का विकास हो रहा है, क्या वो सतत विकास के अनुकूल है या नहीं है, इन सब के ऊपर प्रश्न आपका उठ रहा है। क्या है, इन सब के हम ऊपर हम कह सकते हैं कि प्रश्न जो है आपका उठ रहा है। और एक और संदर्भ की बात करें तो G20 आपको पता ही होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि भारत जो है आपका क्या कर रहा है, भारत के पास G20 का आपका चेयरमैनशिप है नवंबर 2023 तक अगर हम लोग कहे तो, है ना। और G20 ने डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को मान्यता दी है, और भारत के पास चेयरमैनशिप है तो हम कहते हैं कि भारत जो है इसमें एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। और अगर ऐसे भी अगर हम लोग कहे कि भारत की G20 की अध्यक्षता इसे विशेष रूप से डेटा अवसंरचना, डेटा शासन में अपने डिजिटल जो है परिवर्तन को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, यानी कि भारत के पास G20 का चेयरमैनशिप है तो भारत अपनी क्षमता को विश्व के पटल पर रख सकती है, विश्व के पटल पर दिखा सकती है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, इसी पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और भारत की G20 अध्यक्षता ने देश को यह सुनिश्चित करने का अवसर भी प्रदान किया है कि कैसे डिजिटल रणनीति और डेटा जो है शासन को बढ़ावा दिया जाए, कैसे डेटा को जो है समावेशी, पारदर्शी और सुरक्षित और सतत विकास के अनुकूल बनाया जाए, ये भारत को एक हम कहते हैं अवसर दिया है। अगर हम कहते हैं दोस्तों, अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो हाल ही के वर्षों में भारत ने अपने डिजिटल रणनीतियों, डेटा गवर्नेंस जिसे हम लोग
ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी गवर्नेंस भी कह सकते हैं, जैसे यूपीआई की अगर आप बात करिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। तो इन सभी में हम लोग कहे कि भारत जो है इन सब का उपयोग करके, डिजिटलीकरण को अपना करके क्या कर रही है, अपने आर्थिक विकास को गति दे रही है, नागरिकों के जीवन में सुधार कर रही है, नागरिकों के जीवन में यह आर्थिक स्तर पर बहुत बड़े बदलाव जो है कर रही है। लेकिन इस डिजिटलीकरण के वजह से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। एक समस्या सबसे बड़ा उत्पन्न क्या हो रहा है कि जो डिजिटलीकरण के जो आंकड़े है, क्या उसका स्वामित्व किसके पास है? डिजिटलीकरण की या जो हम लोग कहते हैं कि डेटा संप्रभुता किसके पास है? क्योंकि डेटा संप्रभुता को लेकर के हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। डेटा संप्रभुता का मतलब क्या, भारत के अगर कोई भी जैसे सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक मान लीजिए, व्हाट्सएप मान लीजिए, टेलीग्राम मान लीजिए, अगर यहाँ पे भारत के यूजर है जो भारत में रह रहे हैं, तो इन सारे कंपनियों को भारत में ही भारत के लोगों के आंकड़े को संरक्षित करने की जरूरत है ना। तो ये डेटा संप्रभुता क्या है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के से कि ये डेटा ओके संप्रभुता क्या होता है। तो संप्रभुता का मतलब ही होता है जब कोई देश अपना डिसीजन बिना किसी बाहरी दबाव का ले सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि संप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रभु। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है, क्या उठता है प्लीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है दोस्तों कि डेटा संप्रभुता क्या होता है। अगर आप डेटा संप्रभुता की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, डेटा संप्रभुता का अर्थ ही यही होता है कि अगर किसी भी देश के नागरिकों से संबंधित जो डेटा है उसके उसी देश के सीमा के अंदर संरक्षित किया जाए। तो डेटा संप्रभुता यह विचार है कि डेटा उस देश के कानूनों और शासन संरचनाओं के अधीन हो जहां उन्हें एकत्रित किया जाता है। और इसे देखते हुए दोस्तों कि लोगों को अपने डेटा पर नियंत्रण से वंचित करना भी अनुचित है। उसको पता होना चाहिए कि मेरे डाटा का उपयोग कहाँ हो रहा है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे डाटा का संरक्षण कहाँ हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा कि भारत जो है एक DEPA जो हम लोग कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, जो वो बनाया है, ठीक, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, जो आप लोग के लिए भी इंपोर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? इंपोर्टेंट रहेगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, इसे हम लोग कहते हैं डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डेपा, आपके स्क्रीन के ऊपर भी है। इसे हिंदी में कहते हैं डेटा अधिकारिता और संरक्षण संरचना, डेटा अधिकारिता और संरक्षण संरचना। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर DEPA है क्या। तो हाँ, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आप समझिएगा, अगर इसकी हिंदी की बात करूं कि डेटा अधिकारिता संरक्षण और संरचना हम लोग कहते हैं, तो डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर डेपा, डेपा जो है एक सहमति प्रबंधन उपकरण है जिसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? इसके जो है आपको भारत के द्वारा आपका लॉन्च किया गया, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। और डेपा में नागरिकों के डेटा संरक्षण और गोपनीयता में सुधार करने की क्षमता है। इसमें क्या है, याद रखिएगा, डेपा में जो नागरिकों के, हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, नागरिकों के डेटा संरक्षण, नागरिकों के आंकड़े संरक्षण भी कह सकते हैं, ओके। तो डेटा संरक्षण से संबंधित शक्ति है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, नागरिकों के डेटा संरक्षण और गोपनीयता से संबंधित शक्ति है, और गोपनीयता, गोपनीयता से संबंधित शक्ति है, प्लीज इन चीजों को ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। और दोस्तों कि अगर हम लोग ये भी कहे तो डेपा जो है क्या करता है कि व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग और साझा करने पर अधिक नियंत्रण देता है, यानी मेरा जो आंकड़ा है, मेरा जो डाटा है, उससे कौन से डाटा को मैं साझा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये मेरे पास अधिकार होगा। तो ये जो है डिजिटल तकनीकों और डेटा गवर्नेंस में क्या करता है, एक ट्रस्ट को, एक विश्वास को पैदा करता है। डेपा जो है एक विश्वास को पैदा करता है, डेपा याद रखिएगा क्या करता है, एक विश्वास को पैदा करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन चीजों को आपको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, प्लीज इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है।
नवंबर 2022 में ही जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो है पारित करने के लिए जो मसौदा को आपका रखा गया था, ठीक है। तो जो डेटा की अगर आप बात करते हैं, प्लीज ध्यान में रखिए, मैं थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको फायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि पूरा फायदा होगा, फायदा ही नहीं पूरा फायदा होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर आप समझिएगा तो हम लोग जो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं डेपा के बारे में, किसके बारे में, जो डेपा है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि आपको अच्छे से आप जो हम लोग कहते हैं ना कि समझ में जो है आपका ये आ जाए, प्लीज इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डेपा के बारे में। तो जिसे हम लोग कहते हैं कि डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, क्या कहते हैं, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर भी इसे हम लोग कहते हैं। तो जो डेपा का जो विजन ही है कि डेपा इस अवधारणा पर आधारित है दोस्तों कि व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत डेटा की उपयोगिता को निर्धारित करने के मामले में सबसे अच्छा न्यायाधीश है, उसके उसी का डिसीजन है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा, प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि व्यक्तियों को जो है अपने व्यक्तिगत डेटा के उपयोग, ठीक है, करने तथा इसे साझा करने के तरीकों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो डेटा इस विश्वास के साथ तैयार किया गया है कि डेटा संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाली एजेंसियां भारतीयों को अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी या मदद मिल सकता है। तो जो डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के निर्माण के लिए दोस्तों तीन इंपोर्टेंट बातें जरूरी होती है, जैसे कि रेगुलेशन को इम्पावर करना, यानी डेटा को रेगुलेट कौन करेगा, विनियमन कौन करेगा। दूसरा कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से, यानी कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के मानकों का निर्धारण करना। और तीसरा कि सार्वजनिक और निजी संगठनों की भागीदारी जो है इसके बारे में भी बात करना, क्या करना, इसके बारे में भी बात करना। तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, क्या है, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। अगर आप कहते हैं दोस्तों कि जो डेटा के बारे में जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डेटा अधिकारिता और जो संरक्षण संरचना डेटा जो है, तो सबसे पहले इसे नीति आयोग द्वारा 2020 में इस आधार पर लॉन्च किया गया था दोस्तों कि डेटा की अगर बात करते हैं तो 2020 में नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने इसे लॉन्च किया था, है ना। अब इसे जो 2020 में नीति आयोग ने जो लॉन्च किया था, ठीक है, उसका अगर आप आधार की बात करते हैं तो इस आधार पर लॉन्च किया गया था कि व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तिगत डेटा के सही उपयोग के सबसे अच्छा मालिक है, न्यायाधीश है, और इसे अच्छे डेटा गवर्नेंस के लिए एक विकसित या तेज गति के रूप से जो हम कहते हैं ढांचिक रूप में डिजाइन करने के लिए बनाया गया है, जो लोगों को अपने डेटा को एक निर्बाध रूप से और सुरक्षित रूप से एक्सेस करने और इसे तीसरे पक्ष के संस्थानों के साथ साझा करने के लिए सशक्त बनाता है, क्या करता है, सशक्त बनाता है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अगर मैं आपको कहूं तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं, जो अगर आप डेटा की बात करते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए भी इंपोर्टेंट हो सकता है अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो डाटा है उसके लिए अगर किसी को और चाहिए तो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा, मुझसे रिक्वेस्ट होगा तो मैं क्या करूंगा, आपका कंसेंट दूंगा, कितने देर के लिए मैं साझा करना चाहता हूँ, कितने दिन के लिए। फिर क्या होगा, जब मैं कंसेंट दे दूंगा तो कंसेंट रिक्वेस्ट होगा। तीसरा क्या होगा, कंसेंट शेयर किया जाएगा, मतलब डाटा को वो शेयर किया जा सकता है। और फिर अगर हम कहेंगे तो हमारे डाटा का उपयोग भी जो है किया जा सकता है, तो हमारे डाटा का क्या किया जा सकता है, उपयोग भी किया जा सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर आप डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके क्या है तीन, अगर हम कहें तो आपके जो आपका ब्लॉक्स है, जैसे कि रेगुलेशन को ये आपका इनेबल करती है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, यहीं से अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो ये एक नए तकनीक के बारे में बताती है, उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में बताती है, नए प्रकार के जो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो इंसेंटिव है या लोगों के साथ तो कैसे साझा करेगी, कैसे चीजों को
बताएगी उसके बारे में बताता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आपको जाऊं तो आप लोग भी देख सकते हैं कि एक प्रश्न आप लोगों के सामने ही होगा, ये जो डेपा है ना, इसका भाई फायदा क्या है, आप लोग के भी माइंड में भी आएगा। तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं, प्लीज आप भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो डेपा है उसका फायदा क्या है। अगर आप फायदे की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फायदा है दोस्तों कि यह लोगों की गोपनीयता को प्राइवेसी को बढ़ावा देता है। सबसे पहले कि यह गोपनीयता को लेकर के फायदेमंद है, किसको लेकर के, गोपनीयता को लेकर के आपका क्या है, फायदेमंद है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, किसको लेकर के, गोपनीयता को लेकर के फायदेमंद है। तो नागरिकों के लिए डेटा सुरक्षा और गोपनीयता में यह सुधार की संभावना को व्यक्त करता है। व्यक्ति अपनी सहमति से अपने डेटा को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है या नहीं। कि अगर हम इसमें दूसरा फायदे की बात करें तो व्यक्ति के पास क्या होगा, अपने डेटा को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। कि उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो लोगों के पास आंकड़े होगा और लोग क्या करेंगे, वो परमिशन दे या ना दे, या इसे हम कह सकते हैं डिजिटल गवर्नेंस या डेटा गवर्नेंस, है ना, उसके ऊपर क्या होगा, आपका भरोसा बढ़ेगा। डेटा गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर क्या होगा कि भरोसा बढ़ेगा, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यह भी मैंने बता दिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम आएगा, इससे नए प्रकार के संस्थाओं का निर्माण होगा, तकनीक का सही उपयोग होगा, डिजिटल अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन मेन चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या इन तीन मेन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां से प्रश्न उठते हैं, आप लोग के भी माइंड में आएगा कि ये जो डेपा है, ठीक है, जो हम लोग बात करते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए, डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर जो कहते हैं, इससे संबंधित क्या फायदे है, नहीं, इससे संबंधित चिंताएं भी हैं। इससे संबंधित अगर हम लोग कहें कि आपका चिंताएं है, कंसर्न भी है, तो ये चिंता क्या है, ये कंसर्न क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बात करते हैं डेपा को लेकर के, अगर डेपा को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया तो हो सकता है इसका दुरुपयोग, डेटा का दुरुपयोग और बढ़ जाए, लोगों का साइबर सुरक्षा खतरा में पड़ जाए। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों और अधिकार क्षेत्रों में डेपा का क्रियान्वयन जो है वो असंगत हो सकता है, इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों में भी एक अप्रभाविता हो सकता है और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। सुरक्षा और निजता के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और कुशल मानव कार्यबल की उपलब्धता भी एक जुड़ी चिंता भी है। स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग और व्यवसायीकरण से भी संबंधित चिंताएं हैं। डेटा प्रदाता के अधिकारों के साथ उत्पन्न और एकत्र किए गए डेटा के स्वामित्व और शासन के बारे में भी हमें चिंताएं देखने को मिल सकती है। एक मुख्य समस्या, एक प्रमुख चिंता ये भी हो सकता है दोस्तों, किसको लेकर के, डेटा संप्रभुता को लेकर के। तो जो डेटा संप्रभुता एक प्रकार का सिद्धांत है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी देश को अपने सीमाओं के भीतर डेटा संग्रह, भंडारण और उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है, जिसे हम डेटा लोकलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें अपने डेटा पर नागरिकों के सूचनात्मक, जो हम कहते हैं, आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल होता है। ओके, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यानी कि अगर चुनौती में देखेगा तो दो प्रमुख चुनौती है, एक डेटा संप्रभुता को लेकर के और डेटा का दुरुपयोग को लेकर के, डेटा यानी आंकड़े का दुरुपयोग को लेकर के, ये हम कह सकते हैं, है ना। अब तो भाई मेजर्स कौन कौन सा लिया गया या आगे की राह क्या हो सकती है, इसके बारे में भी हमें बात करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो डेटा संप्रभुता का पहला मुद्दा क्या है कि डेटा संप्रभुता का मुद्दा क्या है, डेटा संप्रभुता का मुद्दा यह है कि भारत के लोगों के डेटा, भारत के सीमा के लोगों के डेटा भारत में ही उसे प्रबंधित किया जाए। अगर भारत से बाहर प्रबंधित किया जाता है तो उसका दुरुपयोग का जो अवसर है, चांस जो है, वो आपका बढ़ सकता है। दुरुपयोग अभी समझाऊंगा, समझाए भी शिव रजक जी,
कि जैसे मान लीजिए भारत के लोगों का डाटा है उसे अमेरिका में प्रबंधित किया जाए तो क्या होता है, आप अगर आप लोग देखते होंगे, अभी आप फेसबुक चलाते होंगे या एक वीडियो देखते हैं वैसे ही वीडियो आपका सब कुछ आता होगा, आप कुछ नेट पे सर्च करिए वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आपके पास आने लगता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हमारे बारे में दूसरे देश को पता लग रहा है, भारत के लोगों के बारे में, रहने के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, सोने के बारे में पता लग रहा है, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है ना, बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मायने है वो है आपका कि आगे की राह, आगे की रास्ता क्या होनी चाहिए। तो भारत जो है, अगर हम मैं आपको कहूं कि भारत ने भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय, ओके, इंडियन डेटा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसे हम लोग IDMO भी कहते हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा, हम लोग कहते हैं IDMO, इंडियन ओके डेटा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी से कई बार हम लोग कह सकते हैं IDMO, प्लीज ध्यान में रखिए। तो भारत ने भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय जो IDMO की स्थापना की, या इंडियन डेटा मैनेजमेंट ऑफिस भी कहते हैं, और यह देश की डिजिटल रणनीतियों और डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क की देखरेख और उसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह ओपन सोर्स समाधान के विकास को भी बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संरचना एक सामाजिक सार्वजनिक वस्तु है। इंडिया स्टैक को इस तरह से डिजाइन किया गया या डिजाइन और कार्यान्वित किया जाना चाहिए कि भारत के विकास की रणनीतियों के अनुरूप हो, जिससे भारत के लोगों के आंकड़े का उपयोग भारत के विकास के लिए किया जाए। तो इंडिया स्टैक क्या है दोस्तों? तो इंडिया स्टैक एक एकीकृत इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल पब्लिक गुड्स और एप्लीकेशन इंटरफेस प्रदान करता है और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करता है। हमारे भारत में डेटा गवर्नेंस के विकास की भी जरूरत है। तो डेटा गवर्नेंस विकास में एक प्रक्रिया होनी चाहिए जो चुस्त और जिम्मेदार होनी चाहिए। इसे मौलिक अधिकारों, मूल्यों और मानदंडों पर जो है आपका बनाया जाना चाहिए। नैतिक डेटा प्रशासन प्रथाओं के साथ एक मजबूत और हम लोग कहते हैं कि मजबूत डेटा संरक्षक संरक्षण नियामक ढांचा बनाने की जरूरत है, जिस समय की मांग भी है। एक जवाबदेह, एक उत्तरदायी निर्णायक या निरीक्षण तंत्र भी बनाने की जरूरत है। कई विशेषज्ञों जो सरकारों, जो कंपनियों, नागरिकों के बीच डाटा साझा करने की जो आपका क्या व्यवस्था हो, इसको भी बनाने की जरूरत है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, डेटा संप्रभुता की जरूरत है। अगर कोई टेक्नोलॉजी विकसित किया जाता है तो उसका उपयोग भारत के विकास में करने की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, निवेश की जरूरत है, ठीक है। ये भी हम लोग कह सकते हैं, निवेश की भी जरूरत है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत है, अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशन की भी जरूरत है, अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशन की भी जरूरत है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। और आई होप कि आपको ये आर्टिकल पूरे डिटेल में समझ में आया होगा। और अब आप लोग को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड और वन बाय वन आप लोग पूछिएगा, बिना हाथ उठाए नहीं पूछना है। तो आप लोग को अगर क्लियर है तो बता दीजिए यस सर क्लियर है, कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, वन बाय वन मैं आप लोग को मौका दे रहा हूँ, नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं। यस विकास जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, यही व्यवस्था जो भारतीय देशों में उसको लेकर कैसी व्यवस्था है? यस, जैसे अमेरिका में, जैसे अपने इंडिया में अभी देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि आपका डेटा, या इसे ऐसे भी कहिए कि डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर की अब बात हो रही है, ये अमेरिका में कई साल पहले से ही है। डेटा को जो सॉवरनिटी, डेटा संप्रभुता की बात अब इंडिया में हो रही है, अमेरिका में कई सालों से, अमेरिका में डेटा लोकलाइजेशन बहुत पहले से। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अपने इंडिया में अभी बनाया गया इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस जिसे हम लोग कहते हैं, जबकि अमेरिका में कई सालों से है, तो ये सारी चीजें बहुत पहले से। अमेरिका में जिस व्यवस्था की बात अभी इंडिया में हो रही है, ऐसी व्यवस्था विकसित देशों में कई सालों से है, ठीक है। थैंक यू सर, वेलकम। उसके बाद यहाँ पे हैंड रेज़, यस आसमा बताओ। आसमा आवाज 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 नहीं आ रही है, अगर आप नहीं समझ में आया आसमा, अगर आपको जब पूछना होता तो प्लीज आप नेटवर्क वाले एरिया में आ जाइए तब पूछा करिएगा, ये तो क्या होता है नुकसान हो जाता है। यस आलोक आप बताओ। हेलो, हेलो,
सर थोड़ा सा मतलब टॉपिक से आधार है, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना। हेलो। हाँ पूछिए ना लोग। सर देखिए, जैसे मैं हाँ बोलिए, कौन बोल रहे? आलोक बोल रहे, कौन बोल रहे? आवाज नहीं, चले छोड़िए, आप लोग का अभी आवाज नहीं आ रहा है। यस आसमा, कहीं आप आए? चैट बॉक्स में लिखती हूँ मैं। अच्छा आपने चैट बॉक्स में लिख दिया। कहाँ गई आसमा? सर IDMO। ओके अच्छा, इंडियन जो हम लोग कहते हैं डाटा मैनेजमेंट ऑफिस की अगर आप बात करते हैं, तो आपने ये पूछा है कि इसे कब बनाया गया, शायद हाँ कि जो सन ईयर जो आपने पूछा, तो अगर आप बात करते हैं कि इंडियन, प्लीज ध्यान में रखिएगा कि आपका क्या कहते हैं, इंडियन डाटा मैनेजमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, प्लीज ध्यान में रखिएगा कि हाँ क्या, मैं पहले ये बता दूं कि ये जो है आपका 2022 में भी न्यूज में था, और इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस जो है वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बनाया गया था 2014-15 में। अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग कह सकते हैं कि 2014-15 में इसको जो है बनाने की जो आपकी बात जो है हुई थी, और इसके जो पूरी जो अगर मैं पावर की अगर बात कहूं, तो इसके जो पावर है वो 2022 में पिछले साल जो है आपको जो है दिया गया था। अच्छा एक चीज हमें जो ध्यान में रखने की जरूरत है कि कहा जाता है कि एक गोपाल कृष्णन कमेटी 2021 में आपकी बनी हुई थी, 2014 में डिजिटल इंडिया आया, फिर उसके बाद एक 2000 डिजिटल इंडिया चला 2022 तक उसका लक्ष्य था, लेकिन 2021 में ये कमेटी बना था गोपाल कृष्णन कमेटी, उसी के रिकमेंडेशन पे हम लोग कहते हैं इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस का निर्माण जो है वो 2022 में आपका कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो आपके मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यस फिर उसके बाद किसी का और हैंड रेज है क्या? यस यहाँ पे अब किसी का और हैंड रेज नहीं है। सर ऐसा क्यों होता है कि हमने जो ऑनलाइन सर्च किया उसी से रिलेटेड सीन होता है? ये एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। अब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और एल्गोरिदम के ऊपर आपके आईपी एड्रेस को हर कंपनी ट्रैश करती रहती है और देखती रहती है, मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं, लैपटॉप में क्या सर्च कर रहे हैं, और उसी बेसिस पे आपको वीडियो दिखाए जाते हैं, उसी वीडियो पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। आप लोग देखिएगा, आप सर्च करके देखिए कि आप गूगल में सर्च करिए कि मुझे आपको शू लेना है ना, तो आपको वैसी एडवर्टाइजमेंट आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे दिखाई देने लगेगा। आप सर्च करिए फेसबुक में कोई और वीडियोस, मतलब या इंस्टाग्राम में क्या कहते हैं रील्स, एक ही रील्स सर्च करिए, वैसे रील्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएगा। ये एल्गोरिदम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिससे कि कंपनी अपना मुनाफा करती है, ठीक है। तो सर नीति क्या है? नीति बताया था शिवम ठाकुर जी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जिसे हम लोग कहते हैं, वही नीति है जो कि आपका जो 1 जनवरी 2015 को अगर हम लोग बात करते हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को इसने क्या किया था, इसने जो है आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, इसने आपको अगर मैं ऐसे बताऊं कि इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था, ठीक है। और नीति आयोग के भी जो चेयरमैन है वो हमारे प्रधानमंत्री, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसे हम लोग कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसे हम लोग कहते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग को समझ में भी आया होगा। सर जो अभी बताया आपने, भारत को नुकसान है उसकी, भारत को नुकसान है उसकी मतलब क्या, किस चीज की? जो डेटा का, डेटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड, अगर मान लीजिए, अच्छा, पर्सनली सर मैं समझा नहीं, पर्सनली मतलब किन चीजों से रिलेटेड मैंने नुकसान बता, सर जैसे कि बताइए बताइए। नुकसान का मतलब मैं यही है जहां तक तो मुझे लगता है। अच्छा नहीं, नुकसान का मतलब यह है कि अगर भारत का आंकड़ा है, भारत के लोगों का आंकड़े है, वो भारत पे मैनेज नहीं होगा, उस आंकड़े का उपयोग कोई और देश करेगा, तो भारत का नुकसान है ना। भारत में उन डाटा को समावेश करके, उसी डाटा का उपयोग करके अगर हम लोग कहें कि भारत के विकास के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए काम करना चाहिए, भारत में अपराध को रोकने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। सभी लोग फिर भी कमेंट नहीं किए कि कैसा है क्लास, कुछ ही लोगों का क्लास आया कमेंट आया है जो कि सही नहीं है, सही नहीं है मतलब वो नुकसानदायक है, किसके लिए? मेरे लिए। आप लोग मोटिवेट नहीं करोगे, मुझे नहीं बताओगे कैसा रहा क्लास, तो क्या मैं भगवान थोड़ी ना हूं, है ना।
आप लोगों को मैं डाउट के लिए भी मौका देता हूँ, आप लोगों को मैं बोलता भी आप पूछ सकते हो, आप लोग फिर भी कमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। सभी लोग को कमेंट करना चाहिए, सभी लोग, जितने लोग जुड़े रहते हैं सभी लोग। आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं यूपीएससी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे जा करके, वहां पे आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। और आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।